तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को हेल्दी बना सकते हो, वेट को गेन कर सकते हो। तो मेरी टिप नंबर वन है, वो है जंक फूड को अवॉइड करना। आपको जंक फूड को अवॉइड करना ही करना है, आपको जंक फूड को खाना नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद होता है मैदा। मैदा खाने से वो आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, जिससे आपका फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता, डाइजेस्टिव एंजाइम खत्म हो जाते हैं, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खाए पे नहीं लगता। टिप नंबर दो दूंगा आपको, हेल्दी फूड। आपको जंक फूड ही है, हेल्दी फूड का यूज करना है आपको, जितना हो सके हेल्दी फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना है। हेल्दी फूड में भी आपको ऐसे फूड इंक्लूड करने हैं जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे आप यूज़ कर सकते हो बनाना, मैंगो, कीवी, एवोकाडो, इन फ्रूट्स में फाइबर्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स, दलिया, स्वीट पोटैटो, इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो अब्जॉर्प्शन है, जहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनकी वॉल्स को साफ करते हैं। साफ करेंगे तो आपके फूड का डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, फूड का डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका वेट भी गेन होने लगेगा। टिप नंबर तीन मैं आपको दूंगा, अगर आप ड्रिंक करते हो या फिर एल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो आपको इसको तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि इससे भी आपका डाइजेशन खराब होता है। टिप नंबर फोर मैं दूंगा आपको, जो मेरी गोल्डन टिप है वो है वर्कआउट। आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। आपको डेली 1 घंटा वर्कआउट करना ही करना है, या आप पूरे दिन में 1 घंटा करो, या सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करो, बट वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि है डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोक्सिन। ये गुड हार्मोन्स है जिससे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इनका इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी बॉडी में पंप आता है, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ सब कुछ आती है, बिकॉज ऑफ गुड हार्मोन्स। आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन का भी काम होता है आपके बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एंड्योरेंस को बढ़ाना, आपके मसल का साइज बढ़ाना, आपका वेट को गेन करना, आपके डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन सबको इम्प्रूव करना, तो आपको इन सभी पे काम करना बहुत जरूरी है। आपको अपने वर्कआउट में जो एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है वो है मिक्स एक्सरसाइज, जिसमें आती है कंपाउंड एक्सरसाइज, जिसमें आप इंक्लूड होते हैं स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, पुशअप, पुलअप। ये एक्सरसाइज है जो आपके गुड हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो आपने अपने एक्सरसाइज में इन सबको इंक्लूड करना है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। जो मेरी लास्ट टिप है वो स्लीपिंग। आपको एक गुड क्वालिटी स्लीप लेनी बहुत जरूरी है। आपको 8-9 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, अगर आप चाहते हो अपना वेट गेन करना, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना, अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना, डिस्ट्रीब्यूशन इन सबको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप लेनी बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो आपको पोस्ट वर्कआउट के बाद आपकी जो मसल में ब्रेक डाउन होता है, उसको रिपेयर होने में उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छी स्लीप लेना। तो भाइयों ये थी ओवरऑल मेरी वीडियो, बट इससे इन सब को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद आप इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि जब तक डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा आपका वेट गेन नहीं हो सकता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल मोहित मसल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, बट आपके भाइयों आपका चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए।